सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 सितंबर से 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस बार हम सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखेंगे, लव रीडिंग्स करेंगे इस बार सिर्फ हम। ओवरऑल रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है और इस टाइम थोड़ी सी मैं बिजी चल रही हूँ और इसलिए मैं इस बार छोटी रीडिंग करने की सोच रही हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ एक गाइडेंस मिले, बस इसलिए। सो मैं इस टाइम सिर्फ लव रीडिंग करूँगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए, क्रश के लिए आपके, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि कॉन्टैक्ट के लिए भी रीडिंग करें। सो जो लोग ऑन कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी रीडिंग करूँगी, लेकिन रीडिंग छोटी होगी। ओवरऑल रीडिंग इस बार नहीं करेंगे हम, अक्टूबर फर्स्ट वीक से फिर ओवरऑल रीडिंग भी मैं करूंगी, लेकिन इस बार सिर्फ आपकी लव रीडिंग्स हम करेंगे, ठीक है। सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग। आपके सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट है वैसे देखें, जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें वैसे देखें। इतना आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतना ही लें, और बाकी रीडिंग्स को एक गाइडेंस की तरह देखें। गाइडेंस को जरूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो अपने मून साइन, सन साइन जैसे मर्जी आप देखिए, अपने जैसे आप देखते हैं अपने जोडियक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, फिर कुंभ राशि वाले के क्रश, और उसके बाद जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी रीडिंग हम करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर से 30 सितंबर। डिवाइन प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 सितंबर से 30 सितंबर। मेरे कुंभ राशि वाले कार्ड्स बहुत उस तरफ चले गए। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। चलो नो कॉन्टैक्ट में डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. क्या बात है? आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 2, 6, 5, 7, 6, 4, 10, 5, 2, 3 and 2 again। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ओवरऑल लाइफ में ये इंसान क्रिएटिव होते दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कोई स्पिरिचुअल टूल सीख रहे हैं, कोई डिविनिटी टूल जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर कोई हीलिंग टेक्निक्स वगैरह, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ऐसा कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये इंसान MBBS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई नर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर कोई एडवोकेट, कोई जज हो सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। सो मुझे ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा यू नो करते दिख रहे हैं, कोई डिविनिटी टूल या तो सीखते दिख रहे हैं या फिर क्रिएटिव हो रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल लाइफ में इनकी क्रिएटिविटी दिख रही है, और अगर ये इंसान मैरिड हैं तो ये बहुत अच्छे एक मदर की क्वालिटी हो सकती है इनके अंदर, बहुत लव कंपैशन हो सकता है, काइंडनेस हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनके ओवरऑल लाइफ में। फीलिंग्स में ये इंसान, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, विश कम ट्रू हो आप,
आपका मिलना मतलब इनकी विश पूरी हो गई, इनकी दुआएं सुन ली गई, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप इनको सर्वगुण संपन्न देखते हो। मे बी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, आप अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे से देखते हो, यू नो सबको टेक केयर करना और सबको प्यार देना। सो एक बहुत लविंग केयरिंग वाली एनर्जी आपकी है जो कि इंसान आपको देख रहे हैं, और जैसे आपको ये इंसान अपने लाइफ में चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्स को नाइट ऑफ वॉन्स क्लियरिफाई कर रहे हैं। सो एक पैशनेट एनर्जी इनकी है जहाँ इंटेंशन में ये पैशनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पैशन मुझे यहाँ दोनों तरफ से दिख रहा है, आपकी भी पैशन वैसे ही उस इंसान के लिए, और वो भी आपके लिए वैसे ही पैशनेट मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जो नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं वाली एनर्जी, इनस्टेबल एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं आप दोनों के रिश्ते में, या फिर ज़्यादा इन एंड आउट होता है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो इंटेंशन में ये इंसान बहुत पैशनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत कन्फ्यूज दिख रहे हैं और इनडिसाइसिव दिख रहे हैं। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो इनको ऐसा लग रहा है, और आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इंसान। अब ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत है, या फिर आपके बहुत एडमायर्स हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते में, आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यूनियन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, सो यूनियन ऑब्स्टिकल दिखने का रीज़न मुझे ये दिख रहा है ना कि या तो सही से एफर्ट्स नहीं है दोनों के, या फिर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी टीम वर्क की कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक टाइम निकालता है तो दूसरा टाइम नहीं निकालता है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे टीम वर्क की थोड़ी सी कमी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आउटकम में ये इंसान आपको कोई ऑफर, कोई गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं, कोई मैच्योरिटी के साथ कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि थोड़ी स्ट्रैटेजी को बता रही है। ये इंसान थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, कैसे आपसे कनेक्ट करें, या फिर क्या आपको गिफ्ट करें, या फिर कैसे बात करें, चीज़ों को कैसे बेटर करें, ये सोचते हुए मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे इस इंसान के लिए, इनसे इंटेंस कनेक्शन फील होगा आपको, और बहुत इमोशनल और बहुत रोमांटिकली आप इनसे कनेक्टेड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में आप अपनी लाइफ को लेके भी बहुत कमिटेड मुझे दिख रहे हैं, अपने काम को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने आप को लेके बहुत कमिटेड दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आपकी। सो आप सक्सेस चाहते हो इनके साथ, फीलिंग्स में ऐसा है ना कि आप इनके साथ सक्सेस चाहते हो, मे बी स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हो, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हैं इस इंसान से, ऐसी भी एनर्जी है। और आप इंटेंशन में इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, जो भी एफर्ट्स लगाने हैं ना, वो लगाने के लिए आप रेडी हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होते हैं एक रिश्ते में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेने के लिए रेडी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस इंसान को आप कैसे देख रहे हो? ये इंसान या तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ, आपको थोड़ा इंसान कम आंकते हैं, मतलब या तो आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स करवा देते हैं इंसान, या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपको फिर वो मन में लग जाता है कि ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके वर्थ को ये कम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा देख रहे हो इनको, जो आप है ना दूसरों के लिए, ये इंसान आपको मतलब दूसरों के लिए शायद आप बहुत प्रीशियस हैं, लेकिन आपको ये इंसान थोड़ा सा वर्थलेस फील करवाते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है। इक्वल फीलिंग्स और इमोशंस चाहते हो, लेकिन आपके लिए ऑब्स्टिकल है, और आप डिसअपॉइंट होते दिख रहे हो क्योंकि इक्वालिटी आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे। सो आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, और ये एनर्जी आपको ऑब्स्टिकल लग रही है इस टाइम। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि एक एक्सप्रेशन की एनर्जी है, एक टीम वर्क की एनर्जी है, कोलैबोरेशन की एनर्जी है, जहाँ आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इस रिश्ते को सही करें, लेकिन दोनों मिलके, एक से नहीं, आप दोनों चाहते हैं, मतलब ये इंसान भी एफर्ट्स लगाएं, आप ये चाहते हो। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में टू ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, जहाँ पे आप जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनसे कनेक्ट करना है कि इनसे दूर ही ठीक है, आपको ये समझ नहीं आएगा, और जिसके चलते आप जगल करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अगेन हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है, सो स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आप दोनों की। ओके, सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे,
प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, और मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels. One more time, please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 4, 7, 6, 1। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ये इंसान थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा रूड हो सकते हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं तो इस टाइम इनका डिवोर्स वगैरह प्रोसेस हुआ है, मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। और ये इंसान थोड़े से इस टाइम में डिटैच्ड हो सकते हैं आपसे, थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हैं या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, जहाँ पर इनको एक क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, क्या क्लैरिटी चाहिए डिवाइन इनको, प्लीज़ गाइड। One more time, please. इनको क्लैरिटी चाहिए कि आपके मन में इनके लिए प्यार है या नहीं, आप इनसे प्यार करते हो या नहीं। मे बी आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे पास्ट कुछ दिनों से, जहाँ इनको ये डाउट हो रहा है कि आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं। सो इनको क्लैरिटी चाहिए होगी कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, क्यों फील कर रहे हैं इतना ज़्यादा आपके लिए, क्यों एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। सो ऐसी कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। टू ऑफ कप्स को टू ऑफ कप्स ही क्लियरफाई कर रहा है। ऑब्स्टिकल इनको ये लग रहा है ना कि प्यार सिर्फ इनके मन में है और आपके मन में नहीं है, जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए वो आप नहीं फील कर रहे हो इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है। सो ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है, और इसलिए इंसान थोड़े से अटके रहेंगे, थोड़े स्टक रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, और मैरिज करने के लिए इंसान आपके दिल की बात जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है इनके लिए, जो कि इनको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज दिख रही है मुझे, जहाँ फीलिंग्स में आप बुद्धि लगा रहे हो, पता नहीं क्या बुद्धि आप लगा रहे हो, मे बी कोई टेक्निक, जैसे कि पहले थोड़ा सा बात करना फिर इग्नोर करना, ऐसा कुछ, जहाँ आप और ज़्यादा अटेंशन इनका ग्रैप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, या कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर आप थोड़े से यहाँ पर मैनिपुलेट करते दिख रहे हो चीज़ों को, जहाँ पर आप या तो धीरे से इस इंसान की लाइफ से निकल रहे हो, या फिर कुछ स्ट्रेटेजाइज आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। मे बी आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि शुरू नहीं हुई अभी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, और आप धीरे धीरे निकल रहे हो इस रिश्ते से, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में एक एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ऐसा हो सकता है कि आप क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इस टाइम आपके पास्ट के कोई पर्सन, कोई पास्ट का अफेयर आपका है, जो कि इस टाइम वो इंसान वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में, और आप उनके साथ एफर्ट्स लगाओगे, इनको इग्नोर करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई और आपका दिल थोड़ा टूट रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे मैनिफेस्ट जो है ना, मैनिफेस्टेशन वो आपके लिए ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे आप यू नो नज़र बना के रखे हैं, इम्पेशेंट एक्शन आप ले रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और पर्सन भी दिख रहा है, या आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसा दिखाओगे कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, भले आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, लेकिन आप ऐसा शो करोगे कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसके साथ आप बात कर रहे हो, कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यही स्ट्रैटेजी आप प्लान कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जो कांटेक्ट में है मेरे कुंभ राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज।
मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 सितंबर टू 30 सितंबर। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर। किस कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रांग कोई ऑफर देने का सोच रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान। इनको एक इनसिक्योरिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो प्लेस चेंज कर रहे हो, मतलब जहाँ आप दोनों रहते थे साथ में एक शहर में, या तो आप शहर अपना चेंज कर कहीं और रिलोकेट कर रहे हो, या फिर आप दूसरे कोई किसी कंट्री में आप शिफ्ट कर रहे हो, जो कि इनके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब इनको डर लग रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। ये वैसे वैसा हो सकता है, या फिर ये इंसान कहीं रिलोकेट करने जा रहे हैं जहाँ कि आप इनसिक्योर हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे इनकी एनर्जी में इनसिक्योरिटी दिख रही है, जहाँ पर ये इंसान चाहते हैं कि आप रिलोकेट करने से पहले इनके साथ कोई स्ट्रांगली यू नो कनेक्शन आपके साथ हो जाए, जैसे एंगेजमेंट हो जाए, कोर्ट मैरिज हो जाए, ऐसा कुछ। ये कुछ आपको स्ट्रांग स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये यू नो एक सोलमेट की तरह आपको देख रहे हैं। इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, हाँ इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ। और ये आपको यू नो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप दोनों के लाइफ का, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि एक टर्निंग पॉइंट हो ये आप दोनों की लाइफ का, ठीक है। सो इंटेंशनली ये इंसान चाह रहे हैं कुछ चेंज करना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि पास्ट के कुछ लेसन्स हैं जो कि आपने नहीं सीखे हैं और आप दोनों को सीखने चाहिए, वो इनको ऐसा लगेगा इस टाइम पे। सो पास्ट के कुछ लेसन्स के बारे में ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। सो ये इंसान सारी खुशियाँ आपके साथ जो भी पॉसिबल हैं उनके लिए ये इंसान एफर्ट्स लेते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। और आपको खोने का एक डर इनके अंदर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। आपकी जो एनर्जी है ना, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में साइलेंट हो और साइलेंटली आप प्यार कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आप प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे, लेकिन आप एक रिस्क लेने से डर रहे हो। अब ये रिस्क ना कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपको डर लग रहा है कि कुछ रिस्क लें तो कुछ बाद में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। इंटेंशन में द वर्ल्ड की एनर्जी है, जहाँ पे आप चाहते हैं सारी खुशियाँ अपनी लाइफ की, मे बी फाइनेंस, मे बी रिलेशनशिप, सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? द वर्ल्ड। माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल ये है कि सारी खुशियाँ आपको मिल नहीं रही है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, सारी खुशियाँ आपको नहीं मिल रही हैं और ये आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़ा डिटैच्ड हो सकते हैं इस इंसान से, और मुझे आप या तो इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले एक सिचुएशन में दिख रहे हैं, या फिर आप रिलोकेट कर रहे हैं कहीं, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो आपकी एनर्जी में प्यार ज़रूर है, जहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, जहाँ मुझे सोलफुल वाला एक कनेक्शन फील होगा, मैं वहाँ एफर्ट लगाऊंगी, आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। और ये इंसान थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये आपको खो रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। Then please guide for my Aquarius. Please guide, my dear angels. One more time, please. सरेंडर टू जॉय की एनर्जी है, सरेंडर टू जॉय की एनर्जी है। अ की टू पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सावर इट इंडल्ज अ रैंडम एक्ट ऑफ स्माइलिंग ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड ईजी टाइम्स, कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय।
लेकिन आपको ये कह रहे हैं ना कि कम से कम फेक स्माइल लेकिन करे ज़रूर, ठीक है। अपने आप को झूठी तसल्ली ही दे, चाहे आप कितने भी बुरे कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को झूठी तसल्ली दें और फेक स्माइल ही भले करें लेकिन करे ज़रूर, क्योंकि वही एनर्जी आपके लिए अच्छी एनर्जीज को लेकर आएंगी। आपकी एक स्माइल ही आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा स्माइल्स लेकर आएंगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। एंड सरेंडर द ड्रामा की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन काम एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा। स्टेइंग सेंटर्ड विद विल हेल्प रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली। सो जो भी ड्रामा चल रहा है लाइफ में आपके, आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई इंसान अगर ड्रामा कर रहा है, करने दीजिए, आप सरेंडर कीजिए ड्रामा को, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर एक्वेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।